ठीक है जी, ये कोई बच्चे हैं, कोई सोबर नहीं है कि जी शरारती ना करें, तो बच्चे शरारते करते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो उस टाइम मुझे 3 से 4 रुपए मिले थे, जो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा इनाम था। नहीं, पसंद से हुई थी शादी वाली साहब की। अच्छा, बड़ा मजे का जवाब था ये, ठीक है ना। जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर, मैं मेडिटेमेंट से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। जी बहुत मेहरबानी है, आप लोगों को भी मुबारक हो। सर, हम चाह रहे थे कि आज की इफ्तार हम आपके साथ करें, तो आप बताएं आप अवेलेबल हैं? जी जी जरूर, आप मेरे साथ इफ्तार करें, आप सारे लोग जरूर आए मेरे पास। बहुत शुक्रिया, लेकिन इफ्तार हमारी तरफ से होगी, तो आप जल्दी से बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे। नहीं, इफ्तार तो मेरी तरफ से होना चाहिए, क्योंकि याला अजर तो मुझे मिलना चाहिए कि आप लोग मेरे पास आ रहे हो, तो इफ्तार आप मेरी तरफ से करें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो क्रेविंग्स आपको भी होती होंगी, तो जल्दी से बता दीजिए कि हम आपके लिए क्या लेके आए। भाई, इफ्तार में तो यही है कि जी लोग ना समोसे खा लेते हैं, कोई रोल खा लेते हैं, पेटीज वगैरह इस तरह की चीजें, पकौड़े वगैरह इस तरह की चीजें खा लेते हैं। बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, आपसे मुलाकात होती है फिर शाम में। अल्लाह हाफिज। मुझे 4 समोसे दे दें प्लीज। अच्छा। 3 चिकन ब्रेड दे दें, ये चिकन पाई दे दें, ऑल्सो ये आलू वाले पेटीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, यहाँ पर है बाबा प्लीज। ओके। अस्सलाम वालेकुम। यस, कैसे सर आप? जी ठीक, रमजान मुबारक। बहुत मेहरबानी, इफ्तार स्टार से खुशामदीद। चले, बहुत मेहरबानी जी। और आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हम आपके लिए थोड़ी सी इफ्ताही लेकर आए, क्योंकि हम आपके साथ आज इफ्तार करेंगे। ठीक है, ये मेरे देश लड़की को दे, ये ले। सो भाई, इसे उससे कहो कि थैंक यू। अच्छा भाई, तो क्रिकेट खेली जा रही है यहाँ पे? जी, ये आज मेरे छोटे बेटे के ना सारे दोस्त आए हुए थे। अच्छा, तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं आज। जबरदस्त, तो आप उनको कोच कर रहे हैं? कोचिंग तो इतने छोटे बच्चों को कोचिंग नहीं करनी चाहिए, इनके साथ मिलके खेलना चाहिए बस। अच्छा, इतने छोटे बच्चों को कोचिंग की नहीं जरूरत होती। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके बेटे भी खेल रहे हैं? जी, मेरा बेटा भी खेल रहा है। तो आप सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? मैं कोशिश ये करता हूँ कि जी घर में ऐसी चीज पके जो सादा हो, दाल चावल बड़े शौक से खा लेता हूँ, जबरदस्त सब्जी शौक से खा लेता हूँ, हाँ अगर चिकन कढ़ाई बनी है तो वो भी शौक से। वाव, तो जहाँ दाल चावल की बात आती है, दाल चावल विद अचार या विदाउट अचार? वैसे तो जिस टाइम आप ये खाने पीने की बातें करें, इस टाइम करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि आखिरी वक्त है सारी चीज़ों का, तो उस टाइम खाना की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर दाल चावल के साथ अचार हो जाए, ये दूसरी चीज़ हो तो, और सलाद वगैरह हो जाए, दही वगैरह हो जाए, तो बहुत मज़ा आता है। ज़बरदस्त, तो भाई रमज़ान है, रमज़ान में अपने रूटीन के बारे में तो थोड़ा सा बताइए। जी रमज़ान में मेरे ख्याल में सारे लोगों की रूटीन एक चेंज हो जाती है। बिल्कुल, तो बस ये कोशिश ये करता हूँ कि सुबह जिस टाइम उठते हैं, जब सहरी के लिए उठते हैं, बिल्कुल, तो अक्सर ये भी हो जाता है कि जी पूरी रात सोना नहीं होता। बिल्कुल, ये भी, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि रात को कहना मैं सो जाऊँ, क्योंकि जी सो उठूँ फिर उठूँ, सहरी करना, फिर नमाज पढ़ना, उसके बाद मैं सारे लोगों से ये नहीं कि अपने बताने कि जी कुरान की तिलावत करना। बिल्कुल, और रमज़ान में ना बहुत ज़रूरी ये वाली चीज़ है कि जी आप कुरान को बहुत ज़्यादा पढ़े, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जी मैं उसको पढ़ूँ। बचपन की कोई एक याद जो आपको बहुत याद आती है और आप चाहते हैं कि आप चाइल्डहुड में जाएं और उसको रीलिव करें? तो ये तो बचपन की तो यादें हैं ना बेशुमार हैं, और कुछ बताइए ना प्लीज़। और ऐसी हैं कि जी मेरे ख्याल में सारों का जो बचपन है ना, तो वो सारे अपने बचपन में जाना चाहता है, क्योंकि जी जहाँ टेंशन फ्री लाइफ होती है। सो ट्रू, वो कहते हैं ना कि अपने पैसों से ना तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, ऐसी तो माँ बाप के पैसों से होती है। तो हर इंसान की वाली ऐशी करने का दिल करता है कि जी वाली ऐशी करें। बिल्कुल, तो बचपन में तो क्योंकि जी मोहल्ले में खेलना, बच्चों के साथ जाना, ठीक है ना, और तो यानी ये जो अब जो यली फैसिलिटीज नहीं थी है उस टाइम नहीं थी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी लगती थी कि जो नहीं थी। बिल्कुल, तो ये बचपन ऐसा ही होता है क्योंकि जी बेफिक्रा सा और किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। तो स्ट्रीट क्रिकेट खेली है, इसका मतलब बचपन में आपने? नहीं, बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्रिकेट है ना हाँ। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने स्ट्रीट क्रिकेट ना खेली हो, जो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, क्योंकि जिस तरह जावेद भाई होते थे या इमरान भाई थे बिल्कुल या वसीम भाई थे, कोई भी प्लेयर आप बड़ा हमारा उठा के देख लें, हमारा प्रोसीजर ही यही है। अगर जानबूझ के कोई आउट करता था, यानी कोई दोस्त आपको आउट करता था, तो आप क्या करते थे? मैं मुझे जानबूझ के करे या वैसे करते थे, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा आउट होना। तो मैं भी बचपन में बेईमानी करता था, कि आउट होता था नहीं मानना था। जब आप छोटे थे तो आपने सोचा था कि आप बड़े होकर क्रिकेटर बनेंगे? जी, मेरे सारे भाई ना क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। शुरू से घर में ना हमारे शुरू से ही क्रिकेट थी, हम सारे भाई खेलते थे, यानी कि मैं खेलता था, हम सारे भाई क्रिकेट खेलते थे और बड़ी अच्छी खेलते थे सारे क्रिकेट, सारे हम सारे क्लब क्रिकेट खेलते थे, बड़े जाते थे शौक से, और उस टाइम क्लब क्रिकेट होती भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे शुरू से शौक था, ये यकीन नहीं था कि मैं पाकिस्तान खेल जाऊँगा, क्यों उस टाइम मुल्तान से कोई भी आदमी ना नहीं खेला हुआ था, तो मुझे ये यकीन नहीं था कि जी मैं पाकिस्तान से खेल चुका, लेकिन शौक मुझे बहुत था कि मैंने खेलनी क्रिकेट ही है। बिल्कुल, ये तो बहुत सी बात। जब भाइयों की बात हो रही है तो कितने भाई बहन हैं आपके? मेरे जी हम टोटल 5 भाई हैं और 1 बहन है, और सारे मेरे से बड़े हैं, मैं सारों से छोटा हूँ। जबरदस्त। तो जब आप अभी क्रिकेटर बने हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके फुटबॉल पे चलें? देखिए, मेरी शौक जरूर है मुझे, क्योंकि जी मेरे बच्चे हैं ना क्रिकेट खेलने, और उनको सारी फैसिलिटीज़ भी हैं कि जी जा खेलने, लेकिन मैं कभी फोर्स नहीं करता, क्योंकि ये नहीं है कि जी मैं क्रिकेटर हूँ तो मेरे बच्चे भी क्रिकेटर ही बनेंगे। ठीक है, अगर बनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ये क्योंकि जी जहाँ मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट हो ना, बच्चों को वाला काम करना चाहिए, कि अब मुझे एज ए फादर या पेरेंट्स के जी मियाँ बीवी को हमें अपनी कोई चीज़ उन पर फोर्स करना चाहिए कि आप ये करें। इससे तो फिर मैं पूछूंगी, बच्चों से आपकी कैसी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी। मैं बच्चों के साथ है ना कि हमारा आपस में घर में सारों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला है, क्योंकि जी हम एक साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, और मेरे ख्याल में रहना भी इसी तरह ही चाहिए। बिल्कुल। कि माँ बाप को, क्योंकि जी बच्चों के साथ है ना, बच्चे भी कम्फर्टेबल हो, माँ बाप को भी कम्फर्टेबल होना चाहिए। जबरदस्त। बचपन की कोई मज़ेदार यादगार, वो भी रमज़ान की, आपकी जब रोज़ा खुशाई हुई होगी? जी, मेरी रोज़ा कुशाई जिस टाइम हुई थी, तो मेरे ताया के लड़के थे, भाई साहब उनका नाम था, मुझे आज भी याद है। मेरे ख्याल में याली बात को कोई आज 44-45 साल हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी रोज़ा रखेगा ना, तो उसको है ना अल्लाह पैसे देते हैं। तो जिस टाइम रोज़ा मैंने इफ्तार रखा ना और इफ्तार किया, तो उन्होंने जिस जगह पे मैं बैठा था उसके पीछे है ना पैसे रख दिए थे। उस टाइम 1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि जी 1 रुपये में बड़ी चीज़ें आ जाती थी। तो उस टाइम मुझे 3 से 4 रुपये मिले थे, तो जो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा इनाम था। आज तो 3-4 रुपये से कुछ नहीं होता, बच्चे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम वो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। जबरदस्त। बच्चों को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? बच्चों को देखें, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय ये है कि बच्चे जिस टाइम कोई भी काम करें ना जो अच्छा हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बशर्ते कि जी अब ये छोटे बच्चे हैं, शरारतें भी करेंगे, कल काम भी करेंगे, बशर्ते कि जी मैं इनको डांटूं या बहुत ज़्यादा नसीहतें करूं। तो मेरी आदत है कि मैं नसीहत भी कम करता हूं और डांटता भी कम हूं, लेकिन बच्चे जिस टाइम कोई अच्छा काम करें तो मैं अप्रिशिएट करने की कोशिश करता हूँ। आप ज़्यादा गुस्से वाले हैं या नरम तबीयत के? नहीं, शुरू में थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता था मुझे, तो अब यह कि जी मेरी थोड़ा सा ना बेहतर हो गया हूँ वक्त के साथ। हाँ, वक्त के साथ बेहतर हो गया हूँ, लेकिन ये इस रमज़ान में कह रहा हूँ, रमज़ान के उस पे कि अल्लाह ने सारी खैरें ना नरमी में रखी है। बेशक। सब खैरें नरमी में है, और इस रमज़ान में जो आदमी जो अमल करता है, अल्लाह उसको पूरे साल है ना वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश ये है कि इस पूरे महीने में ना आपने कोशिश करनी है कि अपनी ज़ुबान किसी से सख्त इस्तेमाल नहीं करनी, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको पूरा साल है ना याली तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, आमीन। आप रमज़ान में इफ्तार करने कहीं बाहर जाते हैं? पहले कभी चला जाता था, लेकिन अब जिस तरह लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो देखिए मैं सारे लोगों से ये कह रहा हूँ, अपना भी ये देखो, एक तो
ये जो इफ्तारी का वक्त है ना, ये अल्लाह से मांगने का वक्त है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा। और आपका ये पूरे साल हम रेस्टोरेंट में खाने खाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, एक साल है ना ये बड़ा कीमती वक्त है। इस अपने कीमती वक्त को ना ज़ाया ना करें कि रेस्टोरेंट्स के खाने ना खाएं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि जी मैं, मुझे कई साल हो गए कि मैं रेस्टोरेंट में मैंने इफ्तारी नहीं की होगी। अच्छा, तो कुकिंग का शौक रखते हैं आप? जी ये इस कोविड ने ना मुझे ना थोड़ा सा ना कुकिंग का शौक भी मुझे हुआ, क्योंकि जी सारा दिन घर में फारिक होता था। बिल्कुल। तो फिर ये कि जी मैंने कढ़ाई बना लेता हूँ, और कढ़ाई और दाल बना लेता हूँ, बिरयानी बना लेता हूँ। तो भाई हमारे व्यूअर्स से कढ़ाई की रेसिपी ही शेयर कर देना। जी मैं थोड़ी सी वो देसी घी के साथ कढ़ाई बनाता हूँ, तो मैंने वो लिख के रख रखा है कि जी, तो उसको फॉलो करता हूँ। वैसे मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिसने भी खाई है उसने तारीफ की है कि जी बड़ी अच्छी बनाई है। ज़बरदस्त हो गया ये तो भाई। माशाल्लाह आपका ड्राइंग रूम और घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं वहाँ देख रही हूँ कि आपको सिल्वर बटन भी मिल चुका। तो आपको यूट्यूब चैनल भी है? जी यूट्यूब चैनल भी है जी, जिस पे मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, क्योंकि जी 3-4 साल हो गए। तो उस पर मैं जब भी पाकिस्तान की कोई सीरीज हो या कोई इशू हो उस पर मैं ज़रूर बात करता हूँ। तो क्या आपका प्लान है, क्योंकि मैंने देखा इतने मज़े से आप वहाँ पे बच्चों के मैच देख रहे थे, खुश हो रहे थे, तो क्या आप चाहते हैं कि आप आगे जाके बच्चों को कोचिंग करें? जी बिल्कुल, हम अभी ये फेसबुक में मेरा एक्सक्लूसिव है ना, अभी हम बनाया है कि जी ट्रेन बाई इंजमाम, क्योंकि जी उस पर लोग आए, क्योंकि जी मैं, मेरी अब कोशिश है कि जिस तरह ये बच्चे हैं ना, मुझे शौक है, जिस तरह अभी आपने देखा ना मैं बच्चों के साथ बैठा था, आगे वो खेल रहे थे तो उनको देख रहा था, अब भी मेरा यही शौक है कि जी मैं बच्चों को भी ना सिखाऊं। और जो अच्छे मुझे बास टाइम मैं रियलाइज़ करता हूँ, ये नहीं कि जी मैं कोई बड़ा प्लेयर था कि जी इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जो हमारे फर्स्ट क्लास के भी प्लेयर हैं, दूसरे भी प्लेयर हैं ना, मैं उन सारे तक तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जी इसके थ्रू है ना मैं उनको भी थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूं, और नए लड़कों को भी। फैमिली और बच्चों की बात हो रही है तो एक मज़ेदार सा सवाल है, शादी पसंद से हुई थी या फैमिली की पसंद से हुई थी? नहीं, पसंद से हुई थी शादी, वालिद साहब की। अच्छा, बड़ा मजे का जवाब था ये। ठीक है ना, तो शादी मैंने वालिद साहब की पसंद से की थी। कोई मज़ेदार किस्सा? ठीक है ना, कि जिस टाइम वालिद साहब ने की थी उस टाइम मैंने देखा था अपनी बेगम को, माशाल्लाह। तो मैंने कहा कि ये पेरेंट्स का, मेरा भी राइट, मैं खुद भी ये नहीं है कि जी मैं अपने बच्चों को ये करूँगा कि जी मेरी पसंद से करें, ये उनको राइट है, ये दीन दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, दीन देता ही अल्लाह उसकी उनको पसंद। तो आपकी वाइफ की कोई मज़ेदार सी डिश जो आपकी फेवरेट हो? अब मैं किसी एक डिश का भी नाम ना लिया तो मेरा तो पूरा रमज़ान गुजारना मुश्किल हो जाएगा फिर। नहीं, मेरी बेगम है ना, ये सीरियस के जी, उसके अलावा कि मेरी बेगम है ना खाना बहुत अच्छा बनाती है, माशाल्लाह। और मेरे वालिद साहब को भी ये आदत थी कि जी वो भी खाना ना घर के फर्श से खाते थे। मेरी भी आदत ये है कि मैं किसी कुक वगैरह की नस्बत ये है कि जी घर की खवातीन खाना बनाए, तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का शौक। बिरयानी या कढ़ाई? कढ़ाई। पकौड़े या समोसे? पकौड़े। छोले चाट या फिर दही बड़े? दही बड़े। ज़बरदस्त, बैठिए। अच्छा, तो इफ्तारी में ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना पसंद है या फिर आपको कम ऑयली चीज़ें खाना पसंद है? नहीं, ऑयली चीज़ें तो अब मैं नहीं खाता, बहुत फ्राइड जितनी भी चीज़ें हैं मैं कोशिश करता हूँ कि जी उनसे अवॉइड करूँ। और आप अभी भी जिम जाते हैं? जी मैं जाता हूँ एक्सरसाइज। बिल्कुल, तो रमज़ान में जिम का किस तरह से रूटीन करते हैं? रमज़ान में ना मुश्किल हो जाती है। अच्छा। कि जी थोड़ा सा ज़रा, लेकिन ये कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जी असर की नमाज के बाद वॉक कर लूँ, अगर असर की नमाज के बाद वॉक ना कर सकता तो फिर ये कि जी तरावियों के बाद कोशिश करता हूँ कि जी अपने बच्चों के साथ कोई स्पोर्ट्स खेल लूँ, या फिर ये कि जी लंबी वॉक के लिए। कभी तरावी पढ़ाई है आपने? तरावी तो नहीं पढ़ाई, पढ़ जरूर लेता हूँ। और जहाँ जिस कमरे में आप ये बैठे हैं, बिल्कुल इस कमरे में ही तरावी होती है, माशाल्लाह, खत्मुल कुरान होता है कि जी इसमें हम है ना पहले 10 रोज़ों में कुरान ख़त्म करते हैं। ये कि जिस तरह मैंने आपको अपनी रूटीन बताई है रमज़ान की, इसी तरह आप भी अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर करें, मैं भी देख सकूँ, रील्स पर जाके आप भी अपने पूरे दिन का रिकॉर्ड करके रील्स पर भेजें, ताकि मैं भी आपकी रूटीन देख सकूँ। सर, इफ्तार का वक्त हुआ जाता है, बिस्मिल्लाह कीजिए प्लीज़। जी